पहाड़ की खूबसूरती के बीच कोई है जो आपको चुंबक की तरह खींच सकता है। इस घने जंगल में कोई है जो आपके कदम रोकने की ताकत रखता है। अगर हम कहें वो ना इंसान है ना कोई जानवर, वो एक पेड़ है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जब आप टनकपुर से चंपावत की ओर बढ़ते हैं या चंपावत से टनकपुर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी सड़क के किनारे बना एक विशाल वृक्ष आपकी कार के पहियों को आगे बढ़ने से रोक लेता है। भीमगुमक्कड़ जब उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के इस इलाके में घुमक्कड़ी करने पहुंचा तो हमारा काफिला भी यहां रुके बिना नहीं रह सका। अचानक नजर ऊपर दौड़ाई तो वाइल्ड हनी बी यानी जंगली मधुमक्खियों के एक नहीं दो नहीं सैकड़ों छत्ते नजर आए। इन छत्तों में हिलती डुलती अलग आकार को जन्म देती मधुमक्खियों ने हैरान कर दिया। शहरों में या पानी की टंकियों में मधुमक्खियों के ऐसे घर बने हुए तो आपने कई जगह देखे होंगे, लेकिन जंगल में सिर्फ एक पेड़ पर इतने छत्तों को देखना आश्चर्यचकित करता है। आपने बाजार में शहद में अक्सर मिलावट की खबरें सुनी होंगी। बड़े बड़े ब्रांड्स में मिलावट की खबरें आती हैं और जो बाजार में बिकने वाली शहद है वो शायद आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने की जगह आपको उल्टा नुकसान पहुंचाने लगती है। हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां ना तो प्रकृति में कोई मिलावट है और ना ही यहां मिलने वाली शहद में। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप एक पेड़ पर नजर डालिए और गिनिए कहां तक गिन सकते हैं आप, कितना गिन सकते हैं आप। शायद मेरे हिसाब से थक जाएंगे गिनते गिनते। यहां एक नहीं दो नहीं मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते मौजूद हैं। आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, शायद ये आप गिनते गिनते आपको बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। और फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे छत्ते होंगे जिन्हें आप देख नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, वो आपकी आंखों से ओझल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे इस जगह पर इस जंगल में जो मौजूद है, आप जो ये मधुमक्खियां देख रहे हैं, इन्हें हम वाइल्ड हनी के नाम से जानते हैं, अक्सर वाइल्ड हनी के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे निकलने वाला जो शहद है वो पूरी तरह आपके सेहत के लिए अच्छा है, लाभदायक है। भीमगुमक्कड़ के साथ सफर पर टनकपुर के ही रहने वाले व्यवसायी पवन पांडे थे। उन्होंने हमें इस जंगल, इस पेड़ और पेड़ पर अड्डा जमाए मधुमक्खियों के बारे में कुछ खास जानकारियां दी। हमारे साथ इस वक्त पवन पांडे जी खुद मौजूद हैं, वो यहीं के निवासी हैं। पवन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये हम कौन सी जगह पर खड़े हैं और इस जगह को क्या कहते हैं, लोग कैसे जाने, अगर देखना है उन्हें तो कैसे पहुंचे? ये टनकपुर से लगभग पिथौरागढ़ रोड में 15 किलोमीटर ऊपर एक आठवां मील करके एक जगह है और इस जगह को आठवां मील के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो वृक्ष है, पेड़ है, इसे हल्दू का पेड़ कहते हैं और इसमें जो मधुमक्खियां हैं थोड़ा अपने आप को एक पुराना पेड़, बड़ा पेड़ और कुछ इस पेड़ की जो छाल होती है उसमें अपने आप को एक कंफर्ट महसूस करती हैं मधुमक्खी। मतलब मिठास होती है। मिठास होती है और इस इलाके में बहुत अधिक साल के पेड़ हैं, तो जैसे सीजन वाइज क्या होता है कि मधुमक्खी साल के फूल से रस लेके जो शहद बनाती है उस शहद में गर्माहट बहुत होती है, तो ये मधुमक्खियाँ इस इलाके में पूरे चारों तरफ के जंगलों से अपना रस इकट्ठा करती है। शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है।
ये एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। शहद में एमिनो एसिड, नाइसिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। बाजार में उत्तराखंड के वाइल्ड और रॉ हनी का मूल्य करीब 1000 रुपए किलो है। स्थानीय एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम हल्दू के पेड़ से स्वास्थ्यवर्धक शहद को निकालते रहते हैं। ये बताइए कि क्या शहद को कोई निकालता भी है या ये यूं ही बर्बाद हो जाते हैं? नहीं, स्थानीय लोग हैं, मनियारगोड एक ग्राम सभा है और कई लोग हैं शहद को निकालते हैं और अपने यूज में भी लेते हैं और लोकल में ही सेल कर देते हैं, बेचते हैं, तो यहीं बिक जाता है शहद। जिम कॉर्बेट के आसपास जंगली और रॉ हनी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पहाड़ों में भी कई जगह छोटी प्रजाति की मधुमक्खियां पाली जाती हैं, लेकिन ये मधुमक्खियां सभी मधुमक्खियों से सर्वोत्तम। अगर आप इस तरह की मधुमक्खियों से उत्पन्न शहद का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में शहद का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। क्या इसकी कोई कोशिश की गई है अभी तक? इस शहद का तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है क्योंकि ये जंगली मधुमक्खी कहलाते हैं। इसका साइज थोड़ा मधुमक्खी का बड़ा होता है और अमूमन घरों में, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों में, घरों में मधुमक्खियों को पाला भी जाता है। जिसका बॉक्स आता है उसमें पालते हैं और उसको शहद को भी दूर दूर तक सप्लाई करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ये भी सच है कि मार्केटिंग के दम पर ही बड़ी बड़ी कंपनियां अशुद्ध शहद बाजार में बेच रही। नवंबर 2020 में CSE की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहद का कारोबार करने वाली ज्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट में शुगर सिरप पाए गए। CSE को 77% नमूनों में शुगर सिरप के साथ साथ अन्य मिलावट मिली। मिलावट के इस खेल में पतंजलि और डाबर का शहद भी फेल हो गया था। हालांकि डाबर और पतंजलि ने ऐसी किसी मिलावट से इनकार किया था। अब आप सोचिए, अगर आपको कुदरत की खूबसूरती के करीब किसी जंगल में ऐसा शहद मिले तो उसे खरीदना ना भूलें।